चुनाव शुरू होता है 24 मई को और अगले 5 साल तक मेरा चुनाव शुरू हुआ था 2014 के 16 मई को जिस दिन काउंटिंग हुई और मेरा चुनाव मैं मानता हूँ समाप्त होना चाहिए जिस दिन मैं नामांकन हूँ क्योंकि अगर ये 5 साल आपने चुनाव के तहत आपने अगर कार्य किया तो फिर जो प्रजातंत्र का चुनाव है वो फिर जनता का चुनाव होगा। सामान्य तौर पर हम लोग केवल चुनाव के समय में चुनाव लड़ते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं 5 साल मेरा चुनाव हो, वो चुनाव क्या है, ये नहीं कि मैं आपके साथ लड़ाई करूं, बीजेपी के साथ लड़ाई करूं, मेरा चुनाव है कि आपकी आशाओं को मैं पूरा करूं, ये मेरी चुनौती है, आपकी अभिलाषाओं को पूरा करूं, और अगर मैं वो पूरा करने में सफल हूंगा तो फिर ये चुनाव फिर मेरा नहीं हो जाएगा, फिर ये चुनाव हमारा हो जाएगा। वो सोच विचारधारा है मेरी और वही मैंने पिछले 17 साल से किया, एक महीना भी नहीं छूटा है। आपने देखा है जब मैं आप लोगों के समक्ष न रहा हूं, चाहे मैं मंत्री हूं, चाहे महासचिव हूं, चाहे कैबिनेट का दर्जा हो, चाहे मुख्य सचेतक हो, वो सब मेरे लिए द्वितीय श्रेणी, मेरा क्षेत्र, मेरी जनता और मेरा रिश्ता मेरे लिए प्राथमिक। महाराज, सभी चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं, आपकी नजर में विकास की क्या परिभाषा है, क्या विकास नागरिकों के हैप्पीनेस से जुड़ा भी मामला है? विकास ये होता है कि जब कोई व्यक्ति समझे कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य का निर्माण मेरे वर्तमान से ज्यादा अच्छी तरीके से हो पाएगा, इसको मैं विकास मानता हूं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे अध्ययन के क्षेत्र में हो, चाहे आवागमन के क्षेत्र में हो, और चाहे वो एक अमन चैन का वातावरण के क्षेत्र में। आज सबसे बड़ी चुनौती देश में है कि जो असहिष्णुता का वातावरण है देश में, उस असहिष्णुता के वातावरण के प्रति जो एक सहिष्णुता सरकार के द्वारा दिख रही है, ये सबसे बड़ी चुनौती है देश के लिए। कम से कम आपको, इनको, मुझे, सबको एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हाँ, जैसे ये मेरे साथ कई बार सहमत नहीं होते, हमारी आदान विचारों की आदान प्रदान होती है, मेरा बहुत मतभेद होता है इनके साथ, इनका बहुत मतभेद होता है मेरे साथ। महाराज, मैं बोल रहा हूँ, ये आपके द्वारा दी गई है, मैं सामने सामने कह रहा हूँ, आपका व्यक्तित्व कैसा होता है तो मैं भी कम बोल पाता हूँ, स्वस्थ है जी, मैं कभी इनके प्रति गलत भावना नहीं रखता जी। जो भी टीका टिप्पणी है मुझसे ऊपर करें, वो मुझ पे ऊपर करें, असहमति से पता चल जाता है। देखो, मैं हर बार इनसे मैं मुस्कुराते मिलता हूँ, क्यों? क्योंकि मतभेद होना जरूरी है, लेकिन ना इनके साथ और ना इनके साथ मैं कभी मनभेद रखूंगा। असहमति से पता चलता है कि भिन्न मत भी है, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि देखिए साहब, आप, मैं जानता हूँ इनकी मन की मंशा, मेरे प्रति ये द्वेष भावना नहीं रखते, ये क्या चाहते हैं, मैं अपना दिल खोल रहा हूँ आपके सामने जी। कि साहब, आप काम अच्छा कर रहे हैं पर हम चाहते हैं थोड़ा और अच्छा काम करो, ये बिल्कुल सच है सर, बिल्कुल सच है, इनकी भावना ये बिल्कुल है। ये बैठे हैं मेरे ऊपर जैसे घोड़े के ऊपर वो जॉकी बैठता है ना, चाबुक लगाते हुए, ज्यादा भागे, मैं भावना का पूरा सम्मान करता हूँ। असल भाई अनलिमिटेड पावर मानते हैं सर आपको, आप हैं भी 4 लाख से ऊपर की बधाई बधाई साहब, बधाई साहब, बधाई।